हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक लेकर आया हूँ, उनमें हमारा प्रमुख रूप से जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो पहला तो हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं और एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और तीसरा टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, और वो है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डिफाइन करेंगे हम लोग। देखो स्टूडेंट, ये हमने एक सेल बनाया हुआ है, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और इसमें हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो वी है, ठीक है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इधर रेजिस्टेंस पर आएगा उतना इस पर आएगा। जो इधर देखो स्टूडेंट, नीचे हमने एक डायग्राम बनाया है, इसमें जो हमारे थ्री रेजिस्टेंस है 1 2 3, और ये हमारा सेल आइडियल है, ठीक है। ये आइडियल नहीं है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो आइडियल सेल क्या होंगे? जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल या जीरो होगा, वो सेल आइडियल होते हैं, ठीक है। तो आइडियल सेल क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आप खुद यहीं से नोट करिए। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज जीरो, देन सेल इज नोन एज आइडियल सेल, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो, यहाँ पे जो हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो ऐसे चल रहा है, देखो बना हुआ है। अब चार्ज जब रेजिस्टेंस पर जाता है तो वर्क डन होता है। इस वर्क डन का फार्मूला हमने आपको पीछे बताया हुआ है, W इज इक्वल टू क्यू वी होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम देखें स्टूडेंट, तो V का फार्मूला यहाँ से क्या बनेगा, W बाई क्यू बनता है, ठीक है। अब अगर हम Q को 1 ले लें स्टूडेंट, Q को 1 ले लें, ठीक है। इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, देन हम लोग क्या लिखते हैं, बी इज इक्वल टू डब्ल्यू लिखते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि जो वर्क डन होगा, अगर हमारा यूनिट चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट में, तो सेल जो वर्क डन करेगा वही वर्क डन सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। द गिवेन एनर्जी बाई ए सेल आर वर्क डन बाई ए सेल फॉर फ्लोइंग यूनिट चार्ज इन होल सर्किट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई वी। अब देखो स्टूडेंट, इसमें जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका सिस्टम ऐसे बनता है, पीछे हमने आपको प्रूव किया था कि E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर बनता है उसमें, ठीक है। और इससे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फार्मूला आपको बताया था, ई माइनस आई आर होता है। ये जब हमारा एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है तब ऐसी कंडीशन होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में टर्मिनल पोटेंशियल को ऐसे लिखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसमें अगर हम देखें तो इसमें पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है। इन पॉइंट्स के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 है, ठीक है। इनको भी वर्क डन के रूप में डिफाइन करते हैं। इनको हम लोग अगर सेल की टोटल एनर्जी से देखें तो हमारा जो E आ रहा है स्टूडेंट, E इज इक्वल टू क्या हो रहा है, W बाई क्यू हो रहा है, ठीक है। और W को हम क्या ले सकते हैं, W1 प्लस W2 प्लस W3 अपॉन क्यू ले रहे हैं। तो इसको हम अलग अलग ऐसे डिवाइड कर दें स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा W1 अपॉन क्यू आ जाएगा, प्लस W2 अपॉन क्यू आ जाएगा, और प्लस W3 अपॉन क्यू आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो W1 अपॉन क्यू है वो पॉइंट ए और बी के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। W2 अपॉन Q क्या है, पॉइंट B और C के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। और W3 अपॉन Q क्या है, पॉइंट C और D के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन बाई वर्क डन इन फ्लोइंग ए चार्ज
विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज, ठीक है। तो जो चार्ज के फ्लो होने में वर्क डन होगा और जो चार्ज होगा इन दोनों का रेशियो होता है, यानी द रेशियो ऑफ वर्क डन इन फ्लोइंग ए चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ सर्किट, ठीक है। यानी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश Q को प्रवाहित होने में किया गया कार्य और आवेश Q यानी कार्य और आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेल के लिए निकालेंगे तो सेल के लिए W बाई Q लिखेंगे, अगर किसी रेजिस्टेंस पर निकालते हैं तो W1 बाई Q लिखेंगे, अगर इसके लिए निकालते हैं तो इसमें तो W बाई Q ही होगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे अमीटर क्या होता है, ठीक है। अमीटर इज ए डिवाइस बाय विच इलेक्ट्रिक करेंट इज मेजर्ड इन ए सर्किट, ठीक है। अमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी परिपथ में वैद्युत धारा का मापन करते हैं, ठीक है। अमीटर एक उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ में वैद्युत धारा मापी जाती है। अमीटर इज ए डिवाइस बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन ए सर्किट, ठीक है। किसी भी परिपथ में वैद्युत धारा मापने के लिए हम लोग अमीटर का यूज करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये अमीटर का हमने साइन यहाँ बनाया हुआ है क्योंकि कंस्ट्रक्शन से आपका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ देखिए अमीटर में पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल बने होते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल जनरली रेड कलर से होता है और निगेटिव टर्मिनल ब्लैक से होता है, ठीक है। जब आप अमीटर को कनेक्ट करेंगे तो देखिए सेल का जो पॉजिटिव है वो अमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट है, ठीक है। अमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। अमीटर इज ए कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। परिपथ के जहां भी हमें करंट मेजर करनी होगी, जिस परिपथ में करंट मापना होगा उसके श्रेणी क्रम में इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर इज वेरी लो, ठीक। ए मीटर का जो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। और फॉर आइडियल ए मीटर, फॉर आइडियल ए मीटर रेजिस्टेंस इज जीरो, ठीक है। जो हमारा मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अब फॉर आइडियल मीटर रेजिस्टेंस इज जीरो, अगर मीटर आइडियल है तो इसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, यानी अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। अमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं परिपथ के और इसकी सहायता से इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे वोल्ट मीटर क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखिए हमने वोल्ट मीटर का ये सिंबल बनाया हुआ है स्टूडेंट, ये भी एक ऑपरेटर है जो किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मीजर करता है, ठीक है। वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस बाय विच पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए सर्किट, ठीक है। वोल्ट मीटर एक उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन किया जाता है, ठीक है। यानी इसमें हम लोग विभवांतर मापते हैं। देखो स्टूडेंट, इसका भी जो वोल्ट मीटर का प्लस है वो प्लस वाले से ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और निगेटिव वाला जो है, देखिए इधर निगेटिव वाले से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जहां हमें मेजर करना होगा वोल्ट
वोल्टेज, जैसे इस पर आर पर हमें वोल्टेज मीजर करना है, तो इसके पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया है, यानी वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर इज लार्ज। ठीक है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लार्ज होता है, बड़ा होता है, अधिक होता है। ठीक है, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, ठीक है, यानी जो हमारा वोल्ट मीटर होता है ये पैरेलल में कनेक्ट होगा और इसका वोल्ट मीटर बहुत लार्ज होता है। अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर है तो इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, कितना होता है? इन्फिनिटिव, अनंत होता है। ठीक है, यानी वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का संयोजन। तो संयोजन में पहला तो हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, जो सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, हमारे एक सेल का ईएमएफ ई है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। श्रेणी क्रम में हम देख रहे हैं कि ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और पहले सेल का हमारा विद्युत वाहक बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध आर है, और इन सभी सेलों का विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर है। एन सेल्स यहाँ पे सीरीज में देखिए कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, बड़ी लाइन प्लस होती है, छोटी लाइन होती है माइनस। तो बड़ी लाइन प्लस वाले से करंट ड्रा होती है, ये करंट ऐसे इधर निकल के आ रही है, ये करंट यहाँ से आई ऐसे चल रही है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, जो करंट हमारी निकल रही है यहाँ से वो कितनी होगी, हम लोग इससे यही पता करेंगे कि जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें ज्यादा ज्यादा करंट कैसे जाएगी, हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, सीरीज में जो टोटल ईएमएफ होता है, अभी हमने आपको बताया था कि V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ऐसे होता है सीरीज में, ऐसे हो जाता है। हमने E लिखा था यहाँ पे, E इज इक्वल टू, ऐसे बताया था अभी पीछे इसी में। E का मतलब क्या हुआ? टोटल वोल्टेज हो गया ये ना, सबके वोल्टेज का एड हो गया। तो सीरीज में जो है हमारा जो नेट ईएमएफ कितना होगा, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू, एक सेल का अगर ई है तो एन सेल का होगा, तो एन बार ऐड कर देंगे तो एन ही हो जाएगा, एन ही हो जाएगा। ठीक, अच्छा, सीरीज में रेजिस्टेंस का फार्मूला भी आप पढ़ते हैं, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज का फार्मूला इन इस आर वाले पर आप लगा दीजिए, सीरीज में रेजिस्टेंस का ये फार्मूला, तो वन आर टू आर ऐसे ऐसे करते, एन सेल है तो एन आर हो जाएगा, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा एन आर। ठीक है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन आर हो गया। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारा एन आर और एन ई हुए, ये तो ईएमएफ हुए, और ये हमारा इनसे एक और रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा हुआ आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है जो है। ठीक है,
तो अब टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ हमारा स्टूडेंट, यहां देखो ये हो गया एन आर और प्लस एन आर और प्लस हमारा आर हो गया, ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब करंट आई का क्या फार्मूला बनेगा? करंट इन सर्किट ठीक है, आई इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी टोटल ईएमएफ जो हो गया यानी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा ठीक है, एन आर प्लस आर हो जाएगा। ये हमारा हो गया स्टूडेंट करंट का फार्मूला, क्या होगा आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर हुआ, एन आर स्मॉल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपसे लिखा हुआ है यहाँ। अब हिंदी वाले देख ले, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल टोटल ईएमएफ मतलब कुल विद्युत वाहक बल बराबर एनी, कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर एन आर, अच्छा परिपथ का कुल प्रतिरोध एन आर और प्लस ए आर, ये भी कनेक्ट हो जाएगा एन आर प्लस आर, और परिपथ में धारा आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर हो जाएगा। यानी सीरीज में जो करंट निकालेंगे हम उसका ये फार्मूला होगा। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे दो कंडीशंस हैं ठीक है, पहली कंडीशन देखो क्या है स्टूडेंट, पहली कंडीशन ये है, इन्हीं दोनों हम रिलेशन देख रहे हैं स्टूडेंट, इन दोनों में देखो इन दोनों में ठीक है। कंडीशन वन में हम ले ले अगर कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो ठीक है, देन एन आर जो होगा ये मोर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में हम कैपिटल आर को नेगलेक्ट कर देंगे ठीक है, देन आर विल बी नेगलेक्ट कैपिटल आर विल बी नेगलेक्ट यानी कैपिटल आर नेगलेक्ट हो जाएगा। यदि हमारा जो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर से बड़ा है ठीक है, बड़ा क्या बहुत बड़ा ही लगाएंगे ठीक है, डबल ही लगाएंगे बहुत बड़ा है ठीक है, तो एन आर तो और भी बड़ा हो जाएगा, उस कंडीशन में हम आर को क्या कर सकते हैं, कैपिटल आर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। देन करंट कितनी होगी स्टूडेंट, देन आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर हो जाएगी, अगर उसको नेगलेक्ट कर देंगे तो करंट इसके नियर अबाउट रहेगी ठीक है, थोड़ी बहुत तो रहेगा ही आर का इफेक्ट ठीक है। अब यहाँ एन से एन कैंसिल हो गया तो आई जो होगी नियर अबाउट ई अपॉन आर होगी, ठीक है स्टूडेंट, यानी यहां से आई नियर अबाउट आया ई अपॉन आर। अब ई तो एक सेल का है, वन सेल का ईएमएफ है, वन का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो फिर इतने लगाने का क्या प्रॉफिट हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं, तो नो बेनिफिट है ठीक है। ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं है इसमें, यानी ये हमारे किसी काम का नहीं होगा ध्यान रखिएगा, यानी ऐसे कॉम्बिनेशन का कोई लाभ नहीं है, नो बेनिफिट फॉर दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऐसे संयोजन का कोई लाभ नहीं है ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका कि अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो इसमें हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट हम लोग दूसरी कंडीशन देखें, यहीं से कंडीशन हम बना लें, जो हमने इधर ऐसे किया था अब इधर कर देते हैं ठीक है। इफ आर इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू एन आर, अगर ये बहुत लार्ज है ठीक है, देन एन आर विल बी नेगलेक्ट
देन एन आर विल बी नेगलेक्ट, ठीक है, तब हम लोग एन आर को नेगलेक्ट कर देंगे, एन आर विल बी नेगलेक्ट, ठीक है, कौन नेगलेक्ट होगा, एन आर नेगलेक्ट होगा। अब इस कंडीशन में देखो स्टूडेंट हमारी आई क्या बनेगी, जो यहाँ देखो इसी फार्मूले में अगर हम एन आर को नेगलेक्ट कर दें तो आई का क्या यहाँ फार्मूला बनेगा, आई इज इक्वल टू इस फार्मूले में देखिए एन ही है और एन आर को हमने नेगलेक्ट कर दिया, इसका मतलब कैपिटल आर हो गया है, ठीक है। अब यहां से जो करंट का फार्मूला आया स्टूडेंट वो आप देखिए ना कि एन टाइम्स ई अपान आर आया, तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, कम है, छोटा है सेल का, तो ऐसे सेलों को हमको सीरीज में कंबाइंड करना चाहिए ज्यादा करंट लेने के लिए, ठीक है। तो इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आर नेग्लिजिबल देन वी शुड कनेक्ट द सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। यदि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हैं, बहुत कम है, तो उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए अधिक करंट प्राप्त करने के लिए, ज्यादा करंट जिससे हमें मिले, आई इज इक्वल टू एन ई अपान आर निकल के आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम। देखो स्टूडेंट समांतर क्रम में हमने एन सेलों को कनेक्ट करके ऐसे जोड़ दिया है, अब इन सभी सेलों के पॉजिटिव इस साइड में है, निगेटिव इस साइड में है, ऐसे देखिए, ठीक है, सबके पॉजिटिव यानी पॉजिटिव वाले सब यहाँ कनेक्ट हैं, पॉइंट ए पर कनेक्ट हैं और निगेटिव वाले सब पॉइंट बी पर कनेक्ट हैं। अब देखो स्टूडेंट अगर इनके सबके रेजिस्टेंस आर हैं, ठीक है, तो हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस निकाले, तो लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल इज आर वन, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने उसका क्या ले लिया है, आर वन ले लिया है। अब देखो स्टूडेंट सभी सेल तो पैरेलल में है, तो ये रेजिस्टेंस भी इनके पैरेलल में होंगे, तो हम लोग पैरेलल का फार्मूला लगाएं तो वन अपॉन आर वन इज इक्वल टू क्या आएगा, वन अपॉन आर वन इज इक्वल टू वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर और प्लस डैश डैश एन टर्म तक आएगा, ठीक है। अब यहां देखो स्टूडेंट यहां देखो वन अपॉन आर ऐड करेंगे तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड होते हैं यानी वन प्लस वन होगा यानी टू अपॉन आर होगा, तो थ्री अगर होते थ्री अपॉन आर होगा तो एन होंगे तो कितना हो जाएगा एन अपॉन आर, ये हो जाएगा एन अपॉन आर वन अपॉन आर वन, ठीक है। इससे आर वन का फार्मूला उल्टा करके निकालिए तो आर वन इज इक्वल टू आर बाई एन आ गया, ठीक है, ये हमारा पैरेलल के लिए फार्मूला निकला, ठीक है। यानी यहां देखो स्टूडेंट जो हमारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं सेल के वो पैरेलल में होंगे और सेलों के पैरेलल का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमने आर वन ले लिया, तो आर वन का जो हमारा पैरेलल का फार्मूला अप्लाई कर दिया आर वन इज इक्वल टू वन अपान आर ऐसे एन टर्म तक हो जाएगा, सब ऐड हो करके एन अपान आर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ दो को ऐड करिए तो वन वन टू अपान आर आएगा, एक और होगा तीन अपान आर आ जाएगा, तो जब एन होंगे तो एन अपान आर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका आर वन हमारा आया कितना आया आर बाई एन आया। अब जब इसको हमने टोटल का रेजिस्टेंस एक ले लिया तो इसका मतलब ये इसके साथ सीरीज बनाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस
टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा स्टूडेंट? अब यहाँ तो आप देख सकते हैं इसमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, R1 हो जाएगा, R1 और प्लस R आ जाएगा, वैल्यू रख दीजिए दोनों की, देखिए कितना आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये हो जाएगा R/N और प्लस R, ठीक है। LCM ले लीजिए तो N हो जाएगा, ये हो जाएगा R और प्लस इधर हो जाएगा NR, ठीक है स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट इसका ई है, EMF इसका भी ई है, इसका भी ई है, इसका भी सब पैरेलल में है, तो पैरेलल में EMF को हम ई ही मान लेंगे, EMF तो पैरेलल में सेम होता है, तो नेट EMF कितना हो जाएगा, ई ही होगा, ठीक है। तो करंट कितनी हो जाएगी, करंट कौन सी करंट, आई, करंट I इज इक्वल टू एक सेल का जो EMF है वही पैरेलल में सब पर EMF होगा, क्योंकि सब इक्वल ही है तो पैरेलल में EMF सेम होता है, तो ये हो गया। और रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस यहां से आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, R और प्लस NR हो गया, ऊपर आ गया इनटू N का मल्टीप्लाई हो गया, ये N नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, यानी जो I का हमारा फार्मूला निकला स्टूडेंट, I इज इक्वल टू एन ई, ठीक है, अपॉन स्मॉल R और प्लस N कैपिटल R आया, ठीक है। ये हमारा आया करंट का फार्मूला। अब ये इसको हम लोग फार्मूला नंबर 1 ले सकते हैं, ये फार्मूला नंबर 2 ले सकते हैं। अब ऊपर हम लोग देखें नोट पॉइंट, हम लोग देखें स्टूडेंट यहाँ, ठीक है। तो नोट पॉइंट में देखिए स्टूडेंट कैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमारा बना। अब नोट पॉइंट में देखो स्टूडेंट, ध्यान से यहाँ देखिएगा, ठीक है, कि अगर हमारा जो यहाँ पे स्मॉल आर है, ठीक है, उसके कंपेयर में आर बड़ा हो, ठीक है, यानी अगर ऐसा हो कि स्मॉल आर बहुत छोटा है कैपिटल आर के कंपेयर में, ठीक है। अब वही चीजें हम पीछे बता चुके हैं कि अगर ऐसा होगा तो इधर वाला जिधर मुंह बंद है, जिधर खुला उधर वाला रहेगा, जिधर बंद है उधर वाला नेगलेक्ट करेंगे, तो स्मॉल आर को नेगलेक्ट कर लेंगे, देन आई हमारी यहां से क्या आ जाएगी, देन आई इज इक्वल टू, यहां देखो स्टूडेंट स्मॉल आर तो नेगलेक्ट हो गया, यानी अपान एन आर आ गया, एनी अपान एन आर आ गया, ठीक है। अब एन से एन कैंसिल हो गया, जब एन से एन कैंसिल हो गया तो आई का क्या फार्मूला बना, आई हमारा बना ई अपान आर, ठीक है। अब इसमें भी एन कट गया, इसका मतलब एक सेल से जो करंट आ रही थी वही इसको मिल रही है, इसका मतलब कि इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन नो एनी बेनिफिट टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, ठीक है। यदि हमारा आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है तो सेलों के समांतर क्रम में जोड़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा, यानी समांतर क्रम में तब नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। यानी इसका भी हो गया नो बेनिफिट हमारे लिए, ठीक है, इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है कॉम्बिनेशन का, ऐसा सर्किट हमें जोड़ने का कोई लाभ नहीं, नो बेनिफिट, ठीक है, नो बेनिफिट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अच्छा दूसरा पॉइंट देखे स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, इसका अपोजिट कर दें, इधर से मुंह इधर घुमा दें, यानी हमारा जो स्मॉल आर है वो बहुत बड़ा हो कंपेयर टू एन आर, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो हम एन आर को नेगलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, देन आई इज इक्वल टू, तब आई क्या हो जाएगा, आई यहां से हो जाएगा यानी अपॉन
एन आर तो नेग्लेक्ट हो गया, स्मॉल आर बचा, स्मॉल आर हो जाएगा, एन आर नेग्लेक्ट हो जाएगा, इधर मुंह बंद है, इधर मुंह बंद हो उधर वाला नेग्लेक्ट। यानी इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज लार्ज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन वी शुड कनेक्ट द सेल इन पैरेलल। यदि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत बड़े हों तो हमें सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, इससे हमें अधिक करंट मिलेगी। I इज इक्वल टू एन ई बाई स्मॉल आर मिल रहा है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग यानी मिश्रित क्रम में देखेंगे। यहाँ देखो स्टूडेंट, EMF ऑफ ईच सेल E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर। N सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, N सेलें सीरीज में कनेक्ट हैं। N सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ऐसी N M रो हमने ली हुई है, कितनी रो ली हुई है देखिए, M रो है 1 2 3, ऐसे M रोज को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो ये मिश्रित ग्रुप हो गया, सीरीज और पैरेलल का हो गया, दोनों मिश्रित है इसमें। अब देखो स्टूडेंट, पहले हम एक का देखें ऊपर वाले का, तो टोटल EMF बिटवीन पी एंड क्यू, इसको मान लेते हैं स्टूडेंट पी एंड क्यू में देखते हैं, ठीक है, ये क्यू मान लेते हैं, इधर का पी ले लेते हैं, पी एंड क्यू, ठीक है। टोटल EMF बिटवीन पी एंड क्यू, बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू, सीरीज में है, सीरीज में टोटल EMF कितना हो जाएगा, 1 2 3 एन सेल है तो एन ई हो जाएगा, ठीक है, ऐड होता है वो तो हमने आपको बताया है, एन ई हो जाएगा, एक सेल का ई है और एन सेल है तो एन ई हो जाएगा, टोटल EMF हो गया, यानी पी और क्यू के बीच विद्युत वाहक बल, टोटल विद्युत वाहक बल एन ई हो गया। अब इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू के बीच टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो एक का स्मॉल आर है और ऐसे एन कनेक्ट है तो एन आर हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया एन आर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, 1 2 3 करके एम रो ऐसे कनेक्ट है और ये रेजिस्टेंस है एन आर। अभी हमने बताया था आपको, जब हमने पैरेलल क्रम बताया था तो उसमें जो है हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था, आर वन जो आया था वो आर अपान एन आ गया था, ऐसे आर अपान एन आ गया था, ठीक है। तो जितनी रो लगी हुई थी उतने से ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, अब ये अपना सीखेगा धीरे धीरे। अगर हम लेट कर लें, लेट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, लेट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, अब ये सभी सेलों के लिए हो गया, ऑफ द सेल्स लेट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू आर वन, ठीक है, यानी सभी सेलों का ठीक है, कुल आंतरिक प्रतिरोध हमने आर वन मान लिया सभी सेलों का। अब ये 1 2 3 एम रो के पूरे का हमने ले लिया है, पहले हिंदी वाले देख लें, ठीक है,
पी क्यू, यहां से पी क्यू के बीच कुल विद्युत वाहक बल एक सेल का ई है तो एन सेल का एन ई हो जाएगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कुल आंतरिक प्रतिरोध पी और क्यू के बीच का, तो एक सेल का आर है एन सेल है तो एन आर हो जाएगा। अच्छा, अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स यानी सभी सेलों का, अब ये है ये पी और क्यू के बीच नहीं है केवल, ये सभी सेलों का लेट कर लिया हमने आर पे, इंटरनल रेजिस्टेंस इनका सभी सेलों का माना, सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध आर वन है, सभी सेलों सेल्स लगा हुआ है, सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध आर वन है। तो जब आर वन हो गया तो ये तो समांतर में हो गए ना, एक का दो का ऐसे करके, तो यम रो लगी हुई है, तो इससे क्या हुआ, वन अपान आर वन लगा इज इक्वल टू वन अपान, एक का है एन आर, दूसरे का भी है एन आर, ठीक है, एक रो का एन आर है दूसरे का ऐसे कहाँ तक लगा है, यम टर्म तक लगेगा ये, ठीक है, एम टर्म तक अगर लगेगा तो वही जैसे बेस तो सबका एन आर है, नीचे डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो वन प्लस वन का यहाँ टू, एक और होता थ्री, एम है तो एम हो जाएगा इज इक्वल टू एम अपॉन एन आर हो जाएगा। इससे जो हमें फार्मूला मिला स्टूडेंट आर वन का मिला, आर वन इज इक्वल टू हमारा आया इसी का उल्टा आ जाएगा, एन आर अपान एम आ जाए, आर वन इज इक्वल टू एन आर अपान एम आ गया। यहां से देखिए इसको वन अपान आर वन था तो एम अपान एन आर था, उल्टा हमने करके एन आर अपान एम लिख दिया। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हुआ, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट, तो हम लोग ऊपर देखें, यहाँ यहाँ देखेंगे अब यहाँ ले जाकर, तो टोटल रेजिस्टेंस में कौन हुआ, एक तो आर वन हुआ दूसरा ये आर हो गया, तो इज इक्वल टू हमारा आया टोटल रेजिस्टेंस, इसको आर पी हम लिख दें, तो ये हो गया एक तो आर वन हुआ दूसरा आर हुआ, और आर वन की वैल्यू तो यहाँ लिखी है एन आर अपान एम लिखी है, तो ये हो गया एन आर अपान एम अब प्लस आर हो गया, ठीक है, यानी आर जो टी है आर टोटल हो गया हमारा, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इसको हमने आर टी लिख दिया है, तो आर टी हमारा यहाँ सेल्सियम कर लीजिए तो एन आर अपान एम आर हो जाएगा, ठीक है, और अपान एम आ जाएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब करंट इन द सर्किट क्या होगी, इसमें करंट हम लोग देखें, तो करंट इन द सर्किट, करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, जो सर्किट हमारा उसमें करंट किसमें देखेंगे, रेजिस्टेंस आर में देखेंगे, तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिख दें ना, एक्सटर्नल सर्किट की जगह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आई इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पैरेलल में है हमारा, पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस, पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस इधर का होगा वही इधर का होगा, सबका इनका पैरेलल में है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वही होगा जो टोटल ईएमएफ ऑफ है बिटवीन पी एंड क्यू है, इनके बीच जो ईएमएफ है वही सब पर है, तो वो हो जाएगा यानी आई इज इक्वल टू हो गया यानी, ठीक है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और रेजिस्टेंस हमारा कौन है, आर टी है, ठीक है, तो इतना अपान आर टी हो गया, यानी आई का यहाँ फार्मूला अगर हम अप्लाई कर दें तो ये हो गया यानी, ठीक है, और अपान निकल के आया, आर टी हमारा क्या है एन आर, नीचे हो गया एन आर एन स्मॉल आर और प्लस
M कैपिटल R हो गया, ठीक। और इनके नीचे जो M है वो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इनटू M आ जाएगा। तो हम लोग I का यहाँ क्या फार्मूला लिख देंगे, MNE अपॉन NR प्लस MR, ठीक है स्टूडेंट। और यही हमारा एक इक्वेशन वन है, यही हमारा इक्वेशन वन होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, आई का जो हमारा फार्मूला आया, एम एन ई अपॉन एन स्मॉल आर प्लस एम कैपिटल आर आया। अब देखो स्टूडेंट, जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, तो हम यहाँ नोट पॉइंट में इसको देखेंगे, ठीक है। फॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन आर प्लस एम आर, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए यानी इन दोनों के न्यूनतम मान के लिए, इसके एन आर और एम आर जो यहाँ लिखा है, ये एन आर और एम आर इसके न्यूनतम मान के लिए, सबसे कम मान के लिए क्या करेंगे हम इसको, इसको देखो स्टूडेंट, हम ऐसे लिख सकते हैं एन आर प्लस एम आर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको अगर हम अंडर रूट में बनाए, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या बनेगा, अंडर रूट एन आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, प्लस अंडर रूट एम आर स्क्वायर बन जाएगा और माइनस टू अंडर रूट एन आर इंटू एम आर हमने लिख दिया। तो जितना हमने लिखा उतना हमें जोड़ना भी चाहिए, तो प्लस इसी के साथ प्लस टू अंडर रूट एन आर इंटू एम आर आ गया। हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बना दिया हमने, इसका एन अंडर रूट एन आर और एम आर का, इसको जब हमने टू ए बी बना दिया तो जितना हमने जोड़ा उतना घटाया, बाकी तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा एन आर है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा एम आर है, तो ये दोनों तो वही है, इतना जोड़ दिया इतना माइनस कर दिया, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हमने किया। तब हमारा जो यहाँ से बनेगा एन आर प्लस एम आर का फार्मूला बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं रूट एन आर माइनस रूट एम कैपिटल आर स्क्वायर हो गया और प्लस टू हो गया अंडर रूट एन आर हो गया इंटू एम कैपिटल आर हो गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसकी जो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये जीरो हो जाए, तो इतना भाग हट जाएगा इसमें से, ठीक है। तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एन आर प्लस एम आर, ये वैल्यू हमें जीरो होनी चाहिए, यानी वैल्यू वैल्यू अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर स्क्वायर शुड बी जीरो, तो इसको क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं, एन आर और प्लस एम आर का न्यूनतम मान निकालना चाहते हैं, तो इसमें जो हमारी वैल्यू है ये अंडर रूट एन आर माइनस एम आर का स्क्वायर, ये हमें जीरो निकालना चाहिए। इसको अगर जीरो ले ले तो इतना भाग हट जाए, केवल इतना ही बचेगा, ठीक है। यानी अब यहां से देखो स्टूडेंट क्या निकल के आया हमारा, इससे आ गया अंडर रूट एन आर इज इक्वल टू, अगर माइनस अंडर रूट एम कैपिटल आर इज इक्वल टू जीरो, इसको इधर कर दो तो एन आर इज इक्वल टू एम आर आएगा अंडर रूट का,
और दोनों ओर से रूट हटा दो तो एन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम आर आ जाएगा। ये कैपिटल आर है ये, ठीक। एन आर इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, एम आर आ गया। देखो स्टूडेंट, हमने डिनोमिनेटर एन आर प्लस एम आर को मिनिमम लेने के लिए इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के रूप में चेंज किया, ठीक है, इसका न्यूनतम यानी न्यूनतम मान लेने के लिए। तो जब चेंज किया और इसको हमने जीरो मान लिया, इसको जीरो मान लिया, तो यहां से हमारा जो रिलेशन बना एन आर इज इक्वल टू एम आर बना। यहाँ देखो इधर स्क्वायर था, स्क्वायर हटा दिया, इधर तो जीरो ही है, तो रूट एन आर माइनस रूट एम कैपिटल आर इज इक्वल टू जीरो हुआ। इधर माइनस था, इधर कर दिया प्लस हो गया, दोनों ओर से स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, यानी हमारा जो आया एन आर इज इक्वल टू एम आर आ गया, ठीक है। यहां से कैपिटल आर का एक फार्मूला बना, कैपिटल आर इज इक्वल टू बना, यहां से देखिए क्या बना स्टूडेंट, एन आर अपान एम बन गया, एन आर अपान एम हो गया। ये तो किसी का फार्मूला एक का आया था स्टूडेंट, आर वन का फार्मूला आया था ना, अभी आर वन का हमने बताया था, तो वो भी इतना आया था एन आर अपान एम। यानी अगर सेलों का टोटल रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, सेलों का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा यदि सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध के बराबर है, तो सेल में अधिकतम धारा मिलेगी, क्योंकि नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर वो न्यूनतम हो जाएगा। तो इससे हमारा आई मैक्स क्या आ जाएगा, देखो स्टूडेंट, आई मैक्स का फार्मूला क्या बनेगा, यहां से आई मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है, हमारा आया था करंट का फार्मूला एम एन ई अपान एन आर प्लस एम आर आया था, ठीक है। यहां देखो स्टूडेंट, एन आर के बराबर कौन है, एम आर है, यानी एम आर हटा के हम एन आर इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम करंट के लिए। तो ये हो जाएगा एम एन ई अपान, यहां पर देखिए एन आर आया, ये भी एन आर हो गया, ठीक है। अब कितना आया देखो स्टूडेंट, आई मैक्स का जो फार्मूला बना, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, तो एक एन आर, दो एन आर हो गया, टू एन आर हो गया ना, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, फिर तो एम एन ई अपॉन टू एन आर हुआ, टू एन से एन कैंसिल हो गया। आई मैक्स का जो फार्मूला आ गया वो एम ई अपॉन टू आर आ गया, एम ई अपॉन टू आर आ गया, टू इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी ये अधिकतम करंट होगी और उसका मान कितना होगा, एम ई अपॉन टू आर होगा, ठीक है। और अगर हम इसका उल्टा रख दें, इस रेजिस्टेंस के टर्म में लेना चाहें, जो हमारा ये रेजिस्टेंस है, तो इसके टर्म में आई मैक्स का क्या फार्मूला होगा, तो यहाँ आर लगा दो और देखो आई मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अब वही उसको रख दो, देखो यहाँ पे एन आर की जगह ये रख दो, एम आर रख दो इसको, तो ये हो जाएगा एम एन ई अपान एम आर प्लस एम आर, ठीक है, ये हो गया एम आर प्लस एम आर, ठीक है, ये हो गया टू एम आर, यानी आई मैक्स का फार्मूला आ गया एम एन ई अपॉन टू एम आर, ठीक है। अब यहाँ एम कैंसिल हो गया, तो आई मैक्स का जो फार्मूला आ गया वो कितना आ गया, यहाँ से देखो एम कैंसिल हो गया, एन ई अपॉन टू आर हो गया, ठीक है। ये दोनों ही आई मैक्स के फार्मूले हैं, और ये तब होगा
जब हमारा देखिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R1 को हमने कितना निकाला था, R1 को हमने निकाला था NR अपान M निकाला था, ये हमने निकाला था ठीक है। और यहाँ R1 का जो फार्मूला उधर हमने निकाला था वही R का भी आ रहा है। तो अगर दोनों यानी सेलों का कुल टोटल इंटरनल, इफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन करंट विल बी मैक्सिमम एंड फार्मूला फॉर मैक्सिमम करंट विल बी आई मैक्स इज इक्वल टू एम ई अपॉन टू स्मॉल आर और आई मैक्स इज इक्वल टू एन ई अपॉन टू कैपिटल आर, दोनों होगा, दोनों सेम करंट आएगी ठीक है।